सायमा, काफी दिनों बाद आई हो। जी मैं एक्चुअली काफी बिजी हो गई थी। मामा हॉस्पिटल में थी और आप मिलने भी नहीं आई। मुझे एक फीलिंग आ रही है, जैसे मुझे पता हो कि वो इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। क्या? मुझे लगता है जैसे सायमा भाभी को पता है कि घर खिजर भाई के नाम है। परफेक्ट, ऑल सेट। बस नेक्स्ट 5 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे। ये एक और प्लेट किसके लिए? कोई आ रहा है? तो तुमको क्या लगता है ये इतना सारा खाना मैंने तुम लोगों के लिए बनवाया है? असल में मुझे इस घर में वो अपनाइयत महसूस नहीं हुई। मैं इस घर के एक फर्द की तरह घूमना फिरना चाहता हूं। हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर माजिद। सलाम अलैकुम मिसेस दाव। अलीना प्लीज तशरीफ रखिए। शुरू कीजिए ना। ये थैंक यू एलिना, आप भी लें। नो थैंक यू। किसी के एटिकेट्स का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर हम में से कोई आपको इस बात का एहसास नहीं दिला रहा तो बेहतर है कि आप खुद को यहां पर इज्जतदार मेहमान समझने की कोशिश ना करें और यहां से चले जाएं। शांजे, अलीना, एनीवे छोड़े अब आप प्लीज लीजिए ना, स्टार्ट कीजिए। This is too much. आज तो हद ही हो गई। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें लगता है हमें अदील को बताना चाहिए? अदील भाई क्या करेंगे? खिजर भाई को बताओ। नहीं। क्या मतलब है? अभी भी तुम्हें किसी बात का इंतजार है? मैं नहीं चाहती खिजर भाई गुस्से में आके सायमा भाभी के खिलाफ कोई डिसीजन ले। तुम्हें सायमा से हमदर्दी हो रही है? नहीं, खिजर भाई से। तुमने जो चाहा मैंने कर दिया। इस घर में तुम्हारी फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री, वो भी इज्जत के साथ। इज्जत तो फिर बेइज्जती किसे कहते हैं? ओह, वो जिस तरह तुम पहले इस घर से बेइज्जत होकर निकाले जाते थे ना, उससे तो बेहतर है। हाँ, उससे तो बेहतर था, लेकिन लेकिन क्या? कुछ मजा नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? असल में मुझे इस घर में वो अपनाइयत महसूस नहीं हुई। मैं इस घर के एक फर्द की तरह घूमना फिरना चाहता हूं। मैं भी वही महसूस करना चाहता हूं कि कैसा लगता है जब आपको कोई रोकने टोकने वाला। Thank you.
सायमा ये क्या था? माजिद यहाँ क्यों आया था? क्या हो गया है? वो इस घर के फर्द की तरह है। हाँ, अंकल का बिजनेस लॉयर है। बिजनेस लॉयर होना और घर का फर्द होना दो अलग अलग बातें हैं। कम ऑन, कुछ काम के लोगों के साथ पर्सनल रिलेशंस रखने पड़ते हैं। हर कोई पैसे के लिए काम नहीं करता सर। अब बैठिए, प्लीज टेंशन ना लीजिए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तुम तीनों के एटीट्यूड से बहुत डिसअपॉइंट हूँ। सायमा, हमने कभी तुम्हें महसूस नहीं होने दिया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन इस घर के भी कोई उसूल हैं। देखिए आंटी, मैं इस घर में पैदा नहीं हुई और ना ही यहाँ पे पली बढ़ी, इसीलिए मैं अपने उसूलों पर ही चलूंगी। मगर आज मुझे ये जरूर पता चल गया कि मेरे उसूल आपके इस घर के उसूलों और तमीज और तहजीब से कहीं बेहतर है। एंड अलीना, यू प्लीज लोगों के साथ बात करने का सलीका सीख लो, काफी मुश्किलें यही आसान हो जाएंगी। सायमा भाभी, मेरी तीनों बेटियों को लोगों से तमीज से बात करने की आदत है, वो अगर चाहें भी तो बदतमीजी नहीं कर सकती। आंटी, शायद आप ये नहीं जानती कि हालात के साथ आदतें भी बदल जाती हैं। अलीना प्लीज समझौता करना सीखो, वरना मजीद मुश्किलों में पड़ जाओगी। कानूनी तौर पर अब तुम लोगों का उस घर पर कोई हक नहीं है बेटा, और जिस किस्म का रवैया तुम बता रही हो यह कोई अच्छी इलामत भी नहीं है। सायमा के साथ बहस करना या झगड़ा करना आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो फिर अब क्या हो सकता है? तुम्हारी सेविंग्स खत्म होती जा रही है, तनख्वाहें और बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, अब तुम्हें इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं क्या ध्यान दूं नियाजी अंकल, मुझे तो खुद इन चीजों के बारे में नहीं पता, मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ ये सब कुछ? देखो बेटा, मैं तुम्हारे अब्बा का वकील ही नहीं उनका दोस्त भी था। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि जल्द अज जल्द अपने आप को सायमा से अलग कर लो। तुम लोग उसका मुकाबला तो दूर की बात, उससे बहस भी नहीं कर सकोगे। और फिर हकीकत तो यही है कि तुम अपनी बहनों और वालिदा की तरफ ध्यान दो। मैं तो चाहता हूं कि तुम जल्द अज जल्द कोई जॉब ढूंढ लो। नियाजी अंकल, अब्बा का डीएचए में एक फ्लैट भी तो था ना? था, अब नहीं है बेटा। जब उनके साथ फ्रॉड हुआ था ना, तो यही फ्लैट सबसे पहले बिका था। सुल्ताना, तुम्हें तो पता ही है हमारे कितने सारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं और मुझसे बार बार शादी की तारीख का पूछ रहे हैं। सो लेट्स डिसाइड अपॉन अ डेट। इतनी जल्दी क्या है ना, अभी तो पूरा साल पड़ा है। देखिए, तारीख तय कर लेनी चाहिए, अब तो शादी का वेन्यू भी एक साल पहले बुक करवाना पड़ता है। वही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेन्यू भी बुक हो जाएगा और जिन रिलेटिव्स ने लंदन, अमेरिका, कनाडा से आना है वो अपनी वेकेशन भी प्लान कर लेंगे। क्या सोच रही है भाभी? ठीक है, निकाह वगैरह की तारीख फिर फिक्स कर लेना, जैसे तुम चाहती हो, है ना? गुड, तो सही है, फिर वही कैलेंडर से देख के कोई डेट डिसाइड कर लेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि शॉपिंग के लिए कब फारिग हो? शॉपिंग? इतनी जल्दी? कमाल करती हो सुल्ताना तुम भी, देखना तुम ये साल चुटकी बजाते गुजर जाएगा और शादी हमारे सर पे आन खड़ी होगी, फिर तुम बौखलाती फिरोगी। अच्छा जी, थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा तुम्हें ये लगेगा कि वो तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ। सो तो
ये आंटी और ये अंकल, वो स्केलेटन, सब तुम्हें देख रहे हैं। सो आर दे स्टॉकिंग यू? एटलीस्ट वो गिरगिट की तरह अपना रंग नहीं बदल रहे। कल तुम वेटर थे, आज तुम प्रोफेसर के असिस्टेंट हो। कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो वहां नर्स बन के आ जाओगे। वैसे खासा मुश्किल होगा मेरे लिए नर्स बनना, मुझसे हील्स वाले जूते नहीं पहने जाते। तुम हमेशा इतनी रूड रहती हो या आज कोई खास बात है? तुम हमेशा इतने सवाल करते हो या आज कोई खास बात है? तो आज के बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। गुड, क्योंकि अब मेरी बारी है सवाल करने की। जवाब दोगे? पूछो। तो तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या करते हो? वो तो कहा था जवाब दोगे। हाँ कहा था, बट ये नहीं कहा था कि कब दूंगा। किसे कॉल कर रही हो? खिजर भाई को। बात हुई? काफी देर से ट्राई कर रही हूं, वो फोन ही नहीं उठा रहे। तुम समझती हो कि खिजर अपनी बीवी के खिलाफ कोई बात सुनेगा? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो नहीं, तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी, अगर नहीं बताएंगे तब भी तो ठीक नहीं है ना। देख लो। क्या हो गया? कुछ तो हुआ है, तुम दोनों साथ हो और खामोश। इंटरवल है। अदील भाई, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। कानू भाभी शुरू से ऐसी हैं? कैसी? अक्रू। हाँ हमेशा से। अगर वो किसी के साथ अच्छी होती है तो बहुत अच्छी है, अगर बुरी तो बहुत बुरी। एक्सट्रीमिस्ट कहता हूं उनको। आपके उनसे ज्यादा दोस्ती तो नहीं है ना? हाँ दोस्ती तो नहीं है, मगर कोई खास दुश्मनी भी नहीं है। फिजर बहुत जल्द आन। हमारी डील पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, लेकिन अलीना से उसके घर पे जाके नहीं मिल सकोगे। जानता हूं, आप अपने हिस्से की डील पूरी करें, मैं अपने। हमारा काम कल तक हो जाएगा, पहले मेरा काम। हेलो जी सर, मैं उन्हें अंदर भेज रही हूँ। मिस सलीना मलिक खान, आप अंदर चली जाएं। इधर शान। जी जी इस तरफ। थैंक यू।
I hate 9 AM classes, Sidra. And I hate mornings. हम लोग तो टाइम से आ जाते हैं और ये टीचर्स एस्प्रेसो में नाश्ता करके उनकी आंखें ठीक की। सवाल नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपके पास हाजिर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम आपको क्यों हायर करें तो आप क्या जवाब देंगे? सर, आई हैव ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स ऑन टॉप ऑफ माय क्लास। हमारे पास पहले 2 ऑनर स्टूडेंट मौजूद हैं, तो फिर हम आपको क्यों हायर करें? आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों के पास नहीं? मुझे शुरू से ही रीडिंग और राइटिंग का बहुत शौक। अगर मैं 13 साल की तब से मैंने मैगजीन पढ़ना शुरू किया हुआ। मैं इसके राइटिंग कंटेंट से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, मुझे सीखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्या हो गया? वो मरियम को अस्थमा अटैक है और आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैंने उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम जाओ मरियम को लेकर आओ, जल्दी जाओ। आप अपना CV HR डिपार्टमेंट में जमा करवा दें, वो आपसे कुछ डिटेल्स लेंगे। HR डिपार्टमेंट उस तरफ से सामने। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अलीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बताया तो था कि प्रिंट फर्म में ऑडिट शुरू किया हुआ है। ओह अच्छा, अब ये क्या है? CV है। किस चीज के लिए? जॉब के लिए अप्लाई किया ऑब्वियसली। मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया तुमने? टाइम नहीं मिला, बाद में बात करते हैं। अलीना, ये सीन मत क्रिएट कर। कहा तो है बाद में बात करते हैं। पागल तो नहीं हो गई हो? जहीर के कहने के बावजूद तुम इंटरव्यू देने चली गई हो और फिर उसी कंपनी में जहां वो काम करता है? मुझे क्या पता था कि वो भी उसी कंपनी में काम करता है? फिर वो बेचारा सही कहता है ना कि तुम उसकी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं लेती। किस बात में इंटरेस्ट लूं? मुझे तो सिर्फ टेंशन होती है। फजूल बातें मत करो, क्या टेंशन लेती हो तुम? किस बात में इंटरेस्ट लूं? उसकी गाड़ी की पेमेंट में, इस इवेंट की पेमेंट में, या उसके रिश्तेदारों की तोहफों की पेमेंट में? किस बात में इंटरेस्ट लूं? जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब अपने घर चली जाओगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा, हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। आज आप उसे स्पोर्ट्स कार लेके देने का सोच रही हैं, अगर हम ये गाड़ी बेच दें तब भी हम नहीं वो अफोर्ड कर सकते। अलीना, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, बाकी हम इस फंदेयार भाई से ले लेंगे। हद होती है मामा, वो सिर्फ अब्बा की वजह से हमारे लिए फेवर्स कर रहे हैं और आप उसका फायदा उठा रही हैं। अगर तुम जहीर से तरीके से बात करती तो ये नौबत ही ना आती। ठीक कह रही हैं आप। अब मैं उसे बात करूंगी और उसे साफ साफ बता दूंगी कि हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। खबरदार कि तुमने उससे ये बात की। मामा, आप क्यों चाहती हैं कि हम झूठ बोलें? जब अब्बा ने आपसे ये सारी चीजें छुपाई थी तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी ना? आप क्यों चाहती हैं कि मैं वो गलती दोहराऊं?
नाम क्या बताया था? अलीना दाऊद। अब अलीना दाऊद वली खान ट्राई करो। जस्ट अ मिनट, मिल गया। डिलीट कर दो उसे। नाम क्या बताया था? अलीना दाऊद। अब अलीना दाऊद वली खान ट्राई करो। जस्ट अ मिनट, मिल गया। डिलीट कर दो उसे। बात हुई थी हमारी। मैं ठीक हूँ, तुम गाड़ी तेज चला सकते हो। Are you sure? तुम्हें कुछ खाना तो नहीं है? अगर तुम ऐसे ही गाड़ी चलाओगे तो मैं तुम्हें खा सकती हूँ। Excuse me, गाड़ी में मैं भी हूँ। हाँ, सॉरी, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। जो तुम मरियम को खिलाओगे वो मुझे भी खाना। मैं मेडिसिन का पूछ रहा हूँ, खाओगी? आई थिंक सो, वो तुम्हें खाने की जरूरत है। शायद तुम्हारी बदतमीजी को कोई अपाका हो। अपाका हो? मामा की कॉल आ रही है। हेलो। जी 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 जी, बस मैं आ रही हूँ जी। ठीक है जी, रास्ते में बस। ठीक हो गया, मामा की कॉल आ रही है, लेट हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे लीव से ब्रा बस पहुँचने वाले। ओके, सॉरी मरियम, मुझे मामा के साथ जाना ना होता तो तुम्हें ही पहले ड्रॉप करवाती। कोई बात नहीं, ओके मैं तुम्हें रात को कॉल करूंगी। ओके बाय बाय। हाँ आउट है, आउट। मैंने खुद देखा है यार, ये क्या है, इसको नजर नहीं आ रहा। इतना चीखोगे तो उस तक तुम्हारी आवाज जरूर चली जाएगी। सारे तो व्हाइट कपड़े पहने हैं, पता कैसे चलेगा कौन हमारी टीम का और कौन दूसरी। दफर, जब इंडिया की बैटिंग खत्म होगी फिर हमारी बैटिंग शुरू होगी। तो बताना था ना, मैं बिला वजह चिल्ला रहा हूँ। इसीलिए कहती हूँ फिल्टर लगवा लो अपने मुँह पे। इसको फिल्टर मुँह पे नहीं, कान पे लगाने की जरूरत है। कहो कुछ, सुनता कुछ है। मुझे नहीं समझ आती स्पोर्ट्स की। कल टेस्ट है, पढ़े? तुम पढ़ लो, मैं और इधर मैच। हम यहाँ ग्रुप स्टडी के लिए आए थे। हम ग्रुप में ही तो है, स्टडी नहीं करे तो क्या हुआ, मैच तो देख रहे हैं। मैं अभी जाके तुम्हारी अम्मी को बताता हूँ। हिलना मत यहाँ पे, सीधे तरह बैठे रहो, बस मैच जब खत्म होगा फिर पढ़ना। ये लड़कियां चाहे जितनी भी बीमार हो जाएं, अपने लुक्स की हमेशा इन्हें फिक्र रहती है। This is what makeup is for, ताकि किसी को पता ना चले कि मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, और अगर पता चल गया तो? तो अलीना मेरी जान ले लेगी कि मैंने उसे बताया क्यों नहीं। By the way, thank you. अपना इनहेलर हमेशा अपने बैग में रखा करो। You know, अबा भी यही कहा करते थे। कहा करते थे मतलब? उनकी डेथ हो गई। What?
तुम क्या शौक हो रहे हो? तुम उन्हें जानते थे? नहीं, जानता नहीं था। और ये अस्थमा अटैक नॉट अ बिग डील, होता रहता है महीने में एक बार। मामा कैसी हैं? बीपी की दवा दे दी है इसलिए सो रही हैं। तुम बताओ जहीर के साथ क्या हुआ? मेरा उसी फार्म में इंटरव्यू था जहां जहीर जॉब करता है। फिर क्या? उसे इस बात पे गुस्सा नहीं कि मैं इंटरव्यू देने गई थी, उसे इस बात पे गुस्सा है कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। पहली बार उसने इस तरह बिहेव किया? मरियम, मैं समझती थी जहीर बहुत काम इंसान है, उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आज उसका गुस्सा सामने आ गया। पता नहीं और क्या क्या छुपाता है। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? कुछ नया हुआ? अभी तुमने तो बताया जहीर का बिहेवियर। गंदी, तुम इसी के काबिल हो, गंदे कपड़ों से तुम्हें मार पड़नी चाहिए। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि मैंने तुमसे बात नहीं करनी। उल्टा गुस्सा भी तुम ही हो रही हो। वाओ, तुमने मुझे बताए बगैर अप्लाई किया, गलती तुम्हारी है अलीना। इसमें गलत क्या है जहीर? जॉब करना या ना करना मेरी चॉइस है। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या वो कोई इंडीसेंट जगह है या मेरी जॉब इंडीसेंट होगी वहां पे? तुम भी तो वही काम करते हो ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मामा कहती हैं बड़े घर की लड़कियां जॉब नहीं करती। जहीर, मेरी मामा भी बहुत कुछ कहती हैं और मैं उनकी बात मानती हूँ, लेकिन कुछ करने या कहने से पहले खुद जरूर सोच लेती हूँ कि सही और गलत क्या है। मुझे नहीं पता, मामा कहती हैं कुछ तो होगा। जहीर, तुम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते? तुम खुद क्यों नहीं सोचते कि जॉब करने में गलत बात क्या है? देखो अलीना, तुम्हारी यही बातें मेरा दिमाग खराब करती हैं। मेरी तुम्हारी शादी होने वाली है और अगर मैं तुम्हें किसी बात से मना करता हूँ तो तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए। हमारी शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम मेरे इस पैसे से खुश हो जाओ और मेरा साथ दो, या इसे अपोज करके इस रिलेशनशिप को खराब कर दो। तुम्हारी मर्जी है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो लीना। कहाँ जा रही हो? क्रिकेट खेलने। दोस्त के पास जा रही हूँ मिलने। अच्छा ठीक है, खाना बनाकर जाना। आप कहीं जा रही हैं? आप बना लीजिए। अदील मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है। डॉक्टर? अम्मी डॉक्टर, डॉक्टर नहीं। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कभी टोका है? जब बचपन में तुम तुतला तुतला कर बोलती थी, एक अंग्रेजी का कोर्स क्या कर लिया? दिमाग ही खराब हो गया तुम्हारा? तो एक आप भी कर लेती, कम से कम हमें शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। ये तो अल्लाह ही जानता है, शर्मिंदगी तुम्हें होती है या हमें। ये ले, रख ले, बाहर से खाना मंगवा लीजिएगा, मैंने खाना पकाना छोड़ दिया। कहीं की रेस ज्यादा हो गई है तुम क्या हैं? ये भी समझ ले। बाय। क्या करूं इस लड़की का?
हेलो अजरा जी साइमा बीबी अजरा घर में इस वक्त कौन कौन है अजरा मैंने कुछ पूछा जवाब दो जी वो क्या है कि मैं हूँ घर पे और बाहर चौकीदार है अच्छा ठीक है पता नहीं क्या समझती है अपने आप को चलो आई एम ग्लैड तुमने फाइनली स्टैंड तो लिया उफ, मैं तो बहुत तंग आ गई थी आंटी को बताया मामा को बताने की जरूरत नहीं है जहीर बेबी है ना जब वो अपनी अम्मा के पास जाके रोएगा तो वो खुद ही मामा को कॉल कर देंगी हाँ ये तो सही है अजरा 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 आ रही हूँ जी आ रही हूँ नहीं आवाज लगानी पड़ती है तुम्हें जी सामा बीबी अजरा चौकीदार के साथ जाओ ये लिस्ट है सामान की ये मार्केट से लेकर आनी है सारी चीजें वो क्या नाम है कि रहमान बाबा जरा बाहर गए हैं जैसे ही वो आते मैं सारा सामान मंगवा लूंगी उनसे क्यों तुम क्यों नहीं जा सकती वो क्या वो मैं कुछ ऑर्डर करूं तो बस वो नहीं करना जो कहा है ना बस वो किया करो जाओ जाकर सामान लेकर आओ मुझे तुम्हारे यूं फारिग बैठे रहना अच्छा नहीं लगता अब मुंह क्या देख रही हो जाओ अच्छा माजद लीना को बताया नहीं उन्हें बता के अलग से ट्रीट लूंगी मुझे तो लगता है जैसे इसने किसी की कॉपी की है इतनी नीट हैंडराइटिंग कैसे हुई देखो मेरे साथ रह रहे के इसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी चलो बताओ ट्रीट में क्या खाओगे बर्गर पिज्जा आइसक्रीम सब कुछ और इसके बाद मूवी भी तुम लोग ये टॉर्चर प्री प्लान करते हो या बैठे बैठे ख्याल आ जाता है बैठे बैठे ख्याल आता तुम्हारे पास आधा घंटा है ना तो यहाँ कोई निशानी छोड़ना और ना यहाँ पर कोई निशानी लेके जाने की कोशिश करना आधा घंटा पेपर्स कहाँ हैं मैं इन पेपर्स की फोटो कॉपी कराने जा रही हूँ जब तक वापस आऊं तुम यहां से जा चुके हो मैं इस घर में इस घर के एक फर्द की तरह घूमना फिरना चाहता मैं भी वही महसूस करना चाहता हूं कि कैसा लगता जब आपको कोई रोकने टोकने वाला ना देखें सब 8 लाख है
रफीक भाई मुझे तो 10 चाहिए। अगर आपको 10 लाख चाहिए तो ये अंगूठी आपको देनी पड़ेगी। रफीक भाई ये तो मेरी शादी की बहुत कीमती अंगूठी है, अब मैंने आपकी दुकान से ली थी। जी बेगम सवा, लेकिन 10 लाख पूरे करने के लिए आपको ये कीमती जेवर देना पड़ेगा। आपसे बहुत से सवाल पूछ सकता हूं। मैंने कभी पूछे? हम दोनों अपने काम से काम रखें तो बहुत बेहतर होगा, ट्रस्ट मी। ये लो पेपर्स। अब घर वाले आने वाले होंगे किसी भी वक्त, निकलो। बड़ी बीबी घर जाना है। बड़ी बीबी घर चलें? क्या हुआ रहमान बाबा? घर चलें? हाँ चलें। चलें आज। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या है? वो साइमा आई है, क्या उन्होंने मंगवाया ये सामान? खजर क्या हो गया है? चंद दिनों की बात है, ये लोग खुद चले जाएंगे इस घर से, टेंशन ना लो। अरे हाँ बाबा, तो कौन सा घर इनका है? के बारे में जो कुछ मैं कहती थी सब ठीक था, वो सिर्फ हमारे से बदला लेना चाह रहा है। मामा उसने ये घर हमारे से ले लिया, हमें निकाल देगा। मामा प्लीज आप रिलैक्स करें, इधर आए, इधर बैठें। कि अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे कि हम मरते दम तक इस घर की खिदमत करते रहे। हाँ वो क्या है कि ये तुम्हारी सगी बहन है? कौन? बहू बेगम साइमा। अगर उसने जॉब करनी ही थी तो किसी से या हमसे मशवरा ही कर लेती, कम से कम जहीर से तो इजाजत ले लेती। वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए गई थी, जॉब तो नहीं मिला उसे अभी तक।